छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम शुरू हो गया है। रायपुर पश्चिम में इस वक्त हम हैं और ये शीतल जलपान ग्रह है जहाँ पे मिर्ची भजिया बनता है। देखिए कितना अच्छा यहाँ स्वादिष्ट मिर्ची भजिया बनता है, इसका स्वाद कैसा रहता है वो भी आपको बताएंगे। और रायपुर पश्चिम से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपने प्रचार में निकले हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, जोरदार। अच्छा, यही नाश्ता करते हैं? मैं, मेरे विधानसभा में अलग अलग फेमस जगह है, उनमें से एक जगह ये भी है, यहाँ भी नाश्ता करता हूँ। अच्छा, आप भी नाश्ता कीजिए। बिल्कुल करेंगे, आप खिलाएंगे तो? बिल्कुल, क्या खाओगे आप? पोहा भी मिलता है, ब्रेड पर मिर्ची भजिया खाएंगे, मिर्ची भजिया भी मिलता है, ब्रेड भजिया भी मिलता है। लेकिन क्या खाते हो हमको दिखाएंगे क्या? बिल्कुल आइए। चलिए, कैसे बनता है वो भी आप समझिए विकास भैया से कि। हाँ बताइए। ये मिर्ची भजिया बन रहा है, देखो बिल्कुल फ्रेश मिर्ची को ला कर कैसे बेसन में लपेट कर ये हमारा साथी बना रहा है। और ये ऐतिहासिक जगह है ना। कक्का साल हो गए तो दुकान में, कहाँ है कक्का साल? चौरानवे से दुकान, और जन्म से ज्यादा। आओ, एक भी चीज नहीं बचा है। देख सब जलेबी है। तोला बनाना आते कि नहीं? मैं भी बनाए बार जानता हूँ भाई, मैं भी बनाए एक ठो। बिल्कुल पक्का? मैं ओला निकाल लेता हूँ अपन हाथ। चलो चलो ठीक है, देखते हैं कि नेता क्या सच में मिर्ची भजिया बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, जनता से कैसे वोट मांगते हैं, ये सब चीज जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि चुनाव का मौसम है। ये देखिए यहाँ पर ये जो मिर्ची भजिया यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो सामने आपको विकास उपाध्याय दिखेंगे और विकास उपाध्याय कैसे मिर्ची भजिया निकाल रहे हैं वो भी देखिए। अब बोलते बोलते देख कैसे है। हम तो ये सब कामला जानथन जी, घर के आदमी है। घर में बनाते हैं अपने घर वालों के लिए। बिल्कुल, ये सब तो हमारे मेन भाई घर के काम, जो हमारे दाई मन, हमारे बहुजी मन, हमारे घर के, हमारे वाइफ और सब भाई बहन मिलके सब जन बनाता, नहीं तो अलग पारिवारिक काम है। पत्नी के लिए भी बनाते हैं? बिल्कुल, जब वो हमारे बार बनाते तो बनाए बार बढ़ी ना। ठीक है, तो ये देखिए विकास उपाध्याय जो रायपुर पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मिर्ची भजिया तक बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कौन है ये? मेरे नेता हैं। हाँ? मेरे नेता हैं। ठीक काम कर रहे हैं? काम संतुष्ट हूँ भैया उनके काम से, अभी तो बढ़ चढ़ के उनको सहयोग करता हूँ मैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम नाउ टेल मी, जो सवाल पूछे उसके हिसाब से बढ़ चढ़ के भैया का सहयोग करता हूँ। हाँ। इनके काम से क्या काम किया इन्होंने, क्या काम किया आपके क्षेत्र के? जो पहले विधायक जो नहीं थे ना, बात करने में रफ थे ना। हाँ। कैसे पब्लिक से जुड़ा है, कैसे सब चीज करना भाई के पास। क्या क्या पसंद है इनका है? क्या पसंद है इनकी? कार्यशैली से प्रभावित हूँ मैं। अच्छा। हाँ, माहौल कैसे है? और माहौल तो विकास भाई के पक्ष में है। अच्छा, ये बताइए विकास भैया कि पूर्व मंत्री है राजेश मुड़त, पिछले बार उनको हरा पाए थे, इस बार? देखिए ये तो जनता को फैसला करना है, जनता के मत पर हम लोग काम करते हैं, तो जनता को फैसला करना है। हम काम करने वाले लोग हैं, परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं, परिणाम देने वाली जनता है। ये बताइए मुझे, आप अपने टिकट के लिए तो आश्वस्त थे ही, राजेश मुड़त के लिए कितना आश्वस्त थे? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, 5 साल जो हम लोगों ने जनता के बीच में काम किया, सिर्फ ये 5 साल नहीं, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ बैठ जाइए, फ्रेम बढ़िया आएगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ। हम लोगों ने लाठियां खा के, डंडा खा कर, जेल जाकर जनहित के काम किए, लोगों के साथ उनके हक और अधिकार की लड़ाई में शामिल रहे। हाँ। उसी का परिणाम है कि 5 साल में बहुमत से भी ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस की सरकार रही। हाँ। और कांग्रेस की सरकार ने बहुत अलग अलग महत्वपूर्ण योजनाओं को लाई, संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है। 2018 में जब चुनाव हो रहे थे तो एक चर्चा हुई कि बीजेपी में गुटबाजी है, कार्यकर्ता नाराज है, अभी कांग्रेस के लिए भी यही बात कही जा रही, क्योंकि अलग अलग जगह विधायकों के टिकट कटे तो वो नाराज है, बगावत करने के लिए भी तैयार हैं। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है और 15 साल हम लोगों ने संघर्ष किया है और सब कार्यकर्ता इस बात को भली भांति जानते हैं कि पार्टी ने आम आदमी की लड़ाई, आम आदमी के हक और उसको लड़ने का काम किया है। अब टिकट के मामले में परिवार में बर्तन होगा तो आपस में टकराएगा, लेकिन इतनी बड़ी कोई लड़ाई नहीं है, सब पार्टी के झंडे के नीचे सब एक है, एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। आपके लिए राजेश मुड़त कोई चुनौती है? देखिए चुनाव तो चुनाव है,
और जिसका फैसला जनता को करना है उसका फैसला मैं कैसे बता सकता हूँ, उनके अधिकार की बात है, लेकिन हमने अपने हम अपने कार्य से संतुष्ट हैं, तो मुझको लगता है कि परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। आप कैसे जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं तो पाँचों साल लोगों के बीच में रहता हूँ, जनता से जुड़ा हुआ है। इन पाँच सालों में दो साल कोरोना का भी आया, जब आदमी एक घर में अगर सगे भाई को कोरोना हो गया तो दूसरा भाई उसको छूने में, उसको टच करने में डरता था, हमने गले लगाया, हम गले लगा के हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे, दवाइयाँ पहुँचाते थे, हम उनको राशन पहुँचाते थे, लॉकडाउन था, काम बंद था, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके यहाँ राशन नहीं था, उनके घर राशन तक पहुँचाने का काम किया, यहाँ तक कि कोई मर गया, किसी की मृत्यु हो गई अस्पताल में कोरोना की वजह से, तो उसका अंतिम संस्कार भी हम लोगों ने किया है। 14 लाख मजदूर इस विधानसभा के रिंग रोड से अलग अलग प्रदेश से आकर अपने प्रांतों को, अपने जिलों को, अपने घरों को पैदल जा रहे थे, छोटे बच्चों को कंधों में लगा और कंधों में बिठा कर। ये सब तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपका काम था, इसको तो करना ही था। ये बताइए मुझे कि अभी जो 23 का चुनाव है, सामने ही है, वो वोटिंग होना ही है, आपके पास कोई मुद्दा है जिस मुद्दे के लिए आप जनता के पास मिल रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि ये वाला काम बचा है करके? देखिए, विकास एक चलित प्रक्रिया है, उसको तो लगातार हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यवहार, प्यार, सम्मान, जो आपकी जनता आपके साथ, आप उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनके गलत, जब उनका दुख का समय रहता तब आप उनके साथ रहते हैं, वो काम को कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस काम को हम लोग करते हैं। हम लोगों ने अपना जगह बनाया है, हम घर में कोरोना हुआ तो घर में कंबल ओढ़कर सोकर अपनी जान नहीं बचा रहे थे, जनता के बीच में किसी को किसके लिए कह रहे हैं, कौन घर में सोया? भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता पूरे 5 साल जनता के बीच में, ये चुनावी महीना है, चुनावी महीना बोल रहा हूँ मैं, साल नहीं बोल रहा हूँ, तो चुनावी महीने में जैसे बरसाती एक क्या होता है, मैं बोलना नहीं चाहता, वो बरसाती मेंढक की तरह भी वो बाहर निकले हैं। जनता सब चीज़ को भली भांति जानती है और मैं समझता हूँ उनको इसमें जनता की अदालत में जनता के पास सब कुछ है, जनता जानती कि वो लोग कौन हैं। चुनाव के पहले उनके वादे दूसरे होते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनकी बातें दूसरी होती है। कैमरा थोड़ा करीब लाइए, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, विकास उपाध्याय नवरात्रि के समय में गाना भी अच्छा गाते हैं, उनका वीडियो बहुत वायरल भी होता है, एक गाना फिर से हो जाए जनता के लिए। देखिए, लगातार अलग अलग सोच लेता हूँ फिर बताता हूँ ना, डायरेक्ट फोन चला। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सोच लीजिए। कौन सा गाना गाना है बताइए, कौन सा गाना सुनना है भाई? बताएंगे भाई, तो जस गीत वाला, जस गीत वाला बता, कोई बताएंगे जस गीत कौन सा सुनना है? विकास भाई मन पसंद का जस गीत है, विकास भाई तो गाता रहता है जस गीत, नवरात्रि वाला सोच लीजिए, तब तक नाश्ता कर लें क्या? नाश्ता आने दो। अच्छा, कुछ और लोग हैं उनसे तब तक बात कर लेते हैं हम लोग, सरदार जी है, क्या नाम है सरदार जी? यमल सिंह। इसी विधानसभा से? हाँ। तो ये जो विकास उपाध्याय हैं, काम कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं। अच्छे लड़के हैं? बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोगों के पास कितने बार आए 5 साल में? हम लोग के पास आते ही जाते ही रहते हैं, कभी हम आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं, हमारे हम तो गुरुद्वारा में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं। ऐसा तो नहीं है कि अटेंडेंस कम है? हाँ जी, अटेंडेंस कम है, ऐसा तो नहीं है? वो क्या होता है, बहुत है, हरमन प्यारे नेता हैं और जमीनी नेता है, एक तो रहते हैं मोहल्लों में रहने वाले, ये जमीन के नेता हैं, और ऐसे नहीं है कि हम नेता एमएलए बन गए हैं तो बाद में पब्लिक के पास जाना ही नहीं है। हाँ। जब देखेंगे गली मोहल्ले में आपको दिख जाएंगे, कहीं भी चुनाव चुनाव जीत पाएंगे? जीतेंगे, ज्यादा लीड लेंगे। बोलिए, चुनाव जीत पाएंगे? हाँ जीतेंगे, जीतेंगे भाई। हाँ जी जीतेंगे, भैया जी जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, जीतेंगे भैया जी, पक्का पक्का पक्का, वोट डाल, डाउट, हाँ वोट डाल लेंगे, जिताएंगे। और पूर्व मंत्री को नहीं, इसको जिताएंगे ना। आप बोलिए, पूरा पश्चिम विधानसभा में पूरी ऐसी लहर चल रहा है कि अब कोई नहीं है टक्कर में विकास उपाध्याय जी के सामने में जो है। चाचा क्या नाम है? कुलदीप सिंह। जीत पाएंगे? 100%, 100%, 102%। देखिए, ये तो कार्यकर्ता भी होंगे जो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे करके, लेकिन लेकिन अभी नाश्ता शुरू हो गया है, नाश्ता देखिए, ये चटनी कौन सा है? ये चने का, चने चने के साथ और दही की चटनी के साथ, बहुत स्वादिष्ट और बहुत मजेदार है, मैं अभी आपके लिए मंगा रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये हो गया मिर्ची भजिया, ये देखिए मिर्ची भजिया, हरी मिर्च है, ये क्या है? ये ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड भजिया है, ब्रेड भजिया। हाँ,
मतलब ब्रेड ब्रेड है उसके ऊपर में बेसन का लेप है। अच्छा मैं चटनी में पकड़ लेता हूँ। नहीं नहीं मैं पकड़ ले तो आपका। अरे नहीं 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 लगेगा, मैं दोनों हाथ से काम करूँ। ब्रेड के अंदर आलू डाल के एला बेसन में बनाते जोरदार है खासतौर पर। एक 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 चीज बता दे तो, बढ़िया फिटनेस वाला जिम भी करता है तो फिटनेस ला नुकसान नहीं पहुंचा है तेल वाला? नहीं तो इतना कैलोरी तो हम बंद कर देता हूँ रोज। 20 किलोमीटर पैदल चलता हूँ मैं रोज। 20 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर इसी पश्चिम में ही कि कहीं और? अपन एरिया में भी जाता हूँ, पब्लिक के पास में भी जाता हूँ, अलग अलग जहाँ जहाँ जाए के मौका मिल जाते हैं सब जगह जाता हूँ। ठीक ठीक। मिर्ची भजिया तो खा लिए लेकिन आपसे वादा किए थे कि गाना गवाएंगे विकास भैया से, तो गाना सुन ही लेते हैं। कौन सा गाना गाएंगे? मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंद हो, मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंद हो। ये गाना का मतलब बचपन से ही गा रहे हैं? देखिए ये तो परंपरा में मिले हैं। हाँ। ये परंपराओं से चल रहा है। हाँ। संस्कार में मिले हैं। हाँ। तो भगवान तो ये तो जेनेटिक मामला है और जैसे ही जेनेटिक मामला, जैसे ही पूजा पाठ धर आस्था की बात आती है अपने आप देखो रोंगटा खड़ा हो गया। देखो आप ये देखो रोंगटा खड़ा हो गया मैंने, मतलब कोई चीज बनावटी नहीं अंदर से। ठीक है तैयारी करिए। और रायपुर पश्चिम हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि पूर्व मंत्री राजेश मूणत और विकास उपाध्याय के बीच यहां टक्कर है और इसी टक्कर को और इसी अंदाज को कि कैसे इस बार चुनाव रायपुर पश्चिम में हो रहा है वो आपको बताने के लिए हम गली गली घूम रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।